Bismillahir Rahmanir Rahim. Sir, my name is Muhammadur Rashid bin Mufti Tayyib Muawiyah. I belong to Shurabad, Multan. So, sir, I am currently a student of Islamic studies and currently I joined your Dawa training program. So, sir, we are currently working against the atheism. So, ek atheist ne mere se sawal pucha, jiska maine jawab diya, but I am not satisfied. के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना में आए तो वहाँ पर ज्यूइश कम्युनिटी कई सौ सालों से रह रही थी. तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आए तो उन्होंने कुछ खिलाफ वर्जियाँ की, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें मदीना से निकाल दिया. और नऊज़ु बिल्लाह, मतलब कि आज तक हम मुसलमान वहाँ पर कायम हैं, उन्हें मदीना से मुल्क बदर, शहर बदर कर दिया गया. और आज जब इसराइल या ज़ोनिस ने हमारे पैलेस्टाइन पर गलत कब्जा किया, तो ये कब्जा सही है, क्योंकि कल जब हमने उन्हें निकाला था तो वो आज जब हमें निकाल रहे हैं, तो इसमें मसला क्या है? ये मेरा सवाल नहीं है, मेरे से पूछने वाले एक दोस्त का सवाल है. ही इज एथियस्ट. भाई साहब, कोई ऐसे से सवाल पूछा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना में आए और यहूद को निकाल दिए और उनका कब्जा कर लिए. यहूदी लोग घुस गए और फलस्तीन में और गाजा में कब्जा कर रहे, तो ये तो यकसा है. फ़र्क क्या है इसमें? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किए गए नहीं किए, उसके डिटेल में जाता नहीं हूँ. लेकिन मैं ये मानता हूँ कि पहले ज़माने में जब जंग होती थी, जो भी जीत जाता था वो उसकी लैंड हो जाती थी. सर, करंटली अक़वाम-ए-मुत्तहिदा भी तो यही कहता है. आप जवाब सुन लीजिए प्लीज. मेरा जवाब तो सुनेंगे आप? सॉरी, मैं क्या बोलने वाला जानते हैं आप? सुने मेरा जवाब कभी? नहीं सुने ना? सॉरी, तो जवाब तो कंप्लीट करने दो ना. आप मुझसे बहस कर रहे? सॉरी, यही प्रॉब्लम है. इन्नल्लाह मा साबरीन, अल्लाह उनके साथ है जो सब्र करते हैं. आप अगर देखेंगे 100 ईयर्स बैक, 100 साल बाद, 200 साल पहले, 300 साल पहले, सब जगह ये कॉमन रूल था, कॉमन लॉ था. अगर एक देश हमला करता है और जीत जाता है तो उसका होता है. दुनिया भर में ऐसा है, दुनिया भर में, हिंदुस्तान में हो या अमेरिका में हो या इन सब जगह. लेकिन जब वर्ल्ड वॉर आई ना, वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2, तो कानून बना, इसके बाद बाउंड्रीज बन गई. प्रॉब्लम है हम जानते ही नहीं, हम कानून जानते ही नहीं, हम मुसलमान पढ़ते ही नहीं. अल्लाह ताला बोलते एक रहा, हम बोलते लाइक रहा. जब कानून बन गया वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 के बाद, उसके बाद आप ये पुराना कानून यहां नहीं ला सकते. और जो इसराइल जो कर रही है वो वर्ल्ड वॉर 1 और 2 के बाद कर रही है, समझे आप? और जो बेलफोर्ड, जो ब्रिटिशर्स ने दुनिया का एक तिहाई हिस्सा, 1/3 वर्ल्ड को रूल किया इलीगली, उस टाइम कानून बन चुका था. वर्ल्ड वॉर वन खत्म हुई थी, 2 चल रही थी कानून, लेकिन फिर भी वो कर रहे थे, बोल रहे थे हम दुनिया को अच्छा करने जा रहे. इंडिया में हमारे इंडिया जब एक थी, यूनाइटेड इंडिया, ईस्ट इंडिया कंपनी कायम की तिजारत करने के लिए, हमको लूटा, हिंदुस्तान को लूटा, हमारे लोग को हमारे खिलाफ. बाद में जब जाते जाते देश का बंटवारा किया. उसी टाइम आप देखेंगे पैलेस्टाइन, जो यहूद तो बहुत कम थे और उनकी लैंड भी कुछ ने फ्यू परसेंट की थी. देखेंगे तो मैम, वो जाते जाते उन्हें यहूद को दे दिया. अरे उनके था ही नहीं तो कैसा दे सकते, चोरी किए फिर दे रहे कैसा? उस टाइम भी बहुत कम था, लगता है 11% थे. वो बढ़ते 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 अभी तो 90% हो गए. तो तुम्हारे इसी फ्रेंड को बोलो, तुम जानते ही नहीं इंटरनेशनल रूल भाई. पहले पासपोर्ट भी नहीं था, अभी पासपोर्ट है. पहले वीजा नहीं था, अभी वीजा है. चेंज हो गई दुनिया, वो दुनिया के कानून को जानते नहीं. अभी जो इसराइल कर रही है, अभी कानून है, अब जब जंग भी करेंगे तो सिविलियन को नहीं मार सकते, अवरोध को नहीं मार सकते, मारते इन लोग. तुम्हारे एथिएस्ट को पता ही नहीं, ना खुदा का पता ना कानून का पता है. अफसोस की बात है, आपको भी नहीं पता है.
सर जब अब ये साबित हो गया। सुनो, आपने सवाल पूछा, आपका सवाल खत्म, बाकी लोगों को पूछने दो ना। रूल क्या, एक सवाल? सर वेरी सॉरी, अल्लाह का शुक्र अदा करो आपने जवाब दे दिया, बाकी लोग का जवाब नहीं दूंगे। सॉरी सर। नहीं, आप बोलते तो बाकी लोग। नो सॉरी सर, जज़ाकुमुल्लाह, माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह।